नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल तनु एंड मनु पे। तो आज मेरे घर में पूजा चल रही है, जो शादी के बाद पूजा होती है। तो कुछ गांव के लोगों को इनवाइट किया हुआ है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ उसके बाद का जो खाना, पूजा के बाद जो खाना होता है, जो इनवाइट किया हुआ है लोगों को, वो किस तरीके से गाँव में बनाया जाता है। सब लोग आते हैं और खुद गाँव वाले ही वो खाना बनाते हैं। आइए आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर बन रही है सब्जी, दाल, चावल, भात बना रहे हैं। भात सब्जी भी दिखा दूँ, पास से जाके दिखा दूँ। सब्जी बन रही है, चाचा है, दाल और चावल बन रही है। हाँ, और सब लोग बैठे हुए हैं और ये हैदे है, सब्जी काट रहे हैं। ए बुबू, हाँ ये ताऊ जी हमारे, ये ताऊ जी हमारे, ये बुबू बहुत खींच देना ताऊ जी। हाँ ये ताऊ जी, ये चाचा है हमारे। और यहाँ वो बन रहा दाल भात, ये केवल गुरु है वो, ये केवल गुरु है। हिमाली के केवल गुरु है ये। दाल बना रहे अभी, और ये लकड़ियां है जिससे दाल भात पका रहे हैं। हम ये नेक्स्ट डे का वीडियो शूट कर रही हूँ मैं। कल क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा बारिश आ गई थी, उसके बाद आगे का वीडियो नहीं शूट कर पाई मैं। आज हम फिर से गाड़ जा रहे हैं और आज हमारे साथ मनु भी है। देखते हैं, ये पहले कभी नहीं गए, देखते हैं इनका कैसा एक्सपीरियंस रहेगा यहाँ का। पहाड़ों में भी इतना शायद कभी नहीं आए, ये शायद पहली बार है इनका पहाड़ का। देखते हैं, चल भानु। भावना से हाय बोल। बकरियाँ चराती है। चलो पूरे गांव की, चलो ये जा रहे हैं। भावना भाग गई आगे। ओ सोनिया, क्या कह रही है? आज बहुत ज्यादा गाढ़ आएगी, मतलब पानी बहुत होगा आज, क्योंकि कल बारिश हुई थी बहुत तेज। और मनु का फर्स्ट टाइम है पहाड़ का, नदी का। ये पहुंच चुके हम लोग, ऑलमोस्ट पहुंच ही गए। हाँ, पानी की आवाज आ रही है, कम है, बहुत ज्यादा नहीं है फिर भी, बट है। चलो चलो तुम। मनु को देखो। नहीं नहीं, ऊपर है, ऊपर है मछलियाँ, ऊपर। बकरियां चलाने आए हैं कोई ऊपर। हाँ। भावना को बहुत पसंद आ रहा है जी, जी पीछा ही नहीं छोड़ रही है। आ रहे आ रहे हैं। ये देखिए मनु कहाँ चढ़ गए, उनको बहुत अच्छा लग रहा है, एक्साइटेड थे बहुत। भावना भी पीछे पीछे चली गई है, कह रही है वहाँ कहाँ बैठे हो, नीचे आओ। ये देखना कैसे आएगी भाग भाग। आगे तक देख के आए लेकिन कोई मछली नहीं मिली, लेकिन पानी पूरा आ रहा। ये देखिए, लास्ट टाइम यहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ थी, बट अभी मुझे दिख नहीं रही है कोई भी। हाँ, बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ होती है, बट
वो मनु को बोल रही है पानी बंद करो, ये करो वो करो, मनु को क्या पता। सालू खा रही है ये क्या है पानी है मिसालू। ये अच्छा फ्रूट होता है ये भी ये। क्यूट क्यूट से बकरियां। क्या किया हाँ क्या किया इसकी जीप में काट दिया है कीड़े ने। वो सालू खा रही थी उसके अंदर कीड़ा होगा। मछलियाँ पकड़ने आए थे बस मछलियाँ तो हमें मिली नहीं। क्या करें अब ऐसे घूम घाम के घर चले जाते हैं, घर जाके कुछ और खा लेंगे। चलो मुर्गा मंगाया ही है। मुर्गा मंगाया ही है। टेस्टी मुर्गा। मछली पता नहीं कहाँ गई सारी, अभी 10-15 दिन तक पहले तक थी। लेकिन देसी मुर्गा पकाने की टेक्निक है। टेक्निक में दिखाऊंगी नहीं दिखा पाऊंगी। वो देखो वहाँ ऊपर भी बकरियाँ आ गई। चलो रेडी आओ। ये अखरोट का पेड़ है यहाँ पे, इस पे कुछ अखरोट लगे हुए हैं। जूम करके देखेंगे तो शायद दिख जाए। ऐसे थोड़ा अंधेरा आ रहा है इसलिए दिख नहीं रहे, बट इस पे काफ़ी अखरोट लगे हुए हैं। ये तनु यहाँ पे है, ये जा रही है अखरोट तोड़ने। देखें कितने अखरोट तोड़ के ला पाएगी। कमान गो फॉर इट। वो ऊपर चुटकी डंडा लेके खड़ी है अखरोट तोड़ने के लिए। सब्जी बनती है। ये क्या है? सब्जी बनती है इसकी। अच्छा छोटी छोटी बकरियां आ गई हैं। खटाखट घास खाने में लगी पड़ी हैं बकरियां। इधर इसको मिल गया है अखरोट। गिरा दिया अखरोट। ये लो जी गए अखरोट पानी में। तब तक हम बकरियों को देखते हैं। तनु लगी हुई है अखरोट तोड़ने में। अरे वाह ये देखो कितनी छोटी सी बकरी। तनु ने जंग जीत ली है, मिल गया उसे अखरोट एक तोड़ा। और ये निकिल मोड़े। अरे मुझे जाने दे। बकरी जाने नहीं दे रही है उसे। अरे ये दो बकरियां। वाह एक से भले दो, दो से भले तीन। वेरी गुड। इनके ऊपर बैठ के आ जाओ तुम आराम से। ये किल मोड़ा होता है। खाते हैं इसको। अच्छा क्या बात है, क्या बात है। शाबाश शाबाश। मिल गया। अब इसको देख दिखाओ। ये पका नहीं। शाबाश। अभी छोटा है ये। अभी पका नहीं है, थोड़ा कच्चा है अभी। एक डेढ़ महीने में ये तैयार हो जाएगा। वेरी गुड। एक अखरोट तोड़ा और दो गिराए। ये देखिए। अरे तीन चार पांच तोड़ के लेके आ गई। वो लग रहा है पत्थर मार रही। जेब में डाल ले। छह लेके आई है। हाँ आराम से गिरना। आराम से आना, कूद जा, फिसलना नहीं है। अरे पहाड़ी छोरी है वो। दिखा, दिखा दिखा हाथ में दिखा। कैसे तोड़े? डंडे से। डंडे से आजा फिर। टूटेगा ये? कैसे फोड़ते हैं वो बताएगी अभी तुम्हें। ये देखो इसके बाहर कंधा हो रहा है पत्थर। चल तोड़ते हैं। कैसे तोड़ना है? ऐसे इसके बाहर के निकालो। पहले बाहर का निकालो। हाँ अभी हुआ नहीं अच्छे से।
अभी बना नहीं है सही से। हाँ बना नहीं है अभी, थोड़ा टाइम और चाहिए, एक दो महीना लगेगा। देखें खाके नहीं है, कच्चे है, खराब है, टेस्ट कर लूँ। अभी बनाई नहीं है, बनाई नहीं है अभी। हाँ तू जा पागल, ये सोनिया बकरियों को चुप करा रही है। सोनिया कैसे चुप, पागल बकरी चुप रहे, चुप बकरी देख रही है वहां से बे कर रही है। तो आज हम आए हैं यहाँ पे, घाड़ बोलते हैं इसको, वैसे तो हमारे लोकल लैंग्वेज में या सारी जगह पे इसको नदी बोला जाता है, यहाँ पे घाड़ बोलते हैं। आए काफ़ी फ्रेश लग रहा है यहाँ पे, आए तो हम मछली पकड़ने थे वैसे, लेकिन मछली तो यहाँ पे मिली नहीं है, हमारा बैड लक निकला, तो हमने कुछ और एडवेंचर कर लिया है यहाँ पे। अखरोट तोड़े पेड़ पे, छोटे छोटे से हरे हरे अखरोट, शायद आप लोगों ने भी पहली बार देखे होंगे अखरोट, मैंने बहुत से लोगों ने देखा, बहुत लोगों ने देखा हमने, लेकिन अभी खाने लायक नहीं। तुझे कैसा लगा जीजा जी, कैसे लगे बता? अच्छे लगे। ये भावना है, घर का सारा काम किया है इसने, बकरियां पकड़ने वाली है। नहीं नहीं वो अच्छी बच्ची है, स्कूल भी जाती है, आजकल लॉकडाउन की वजह से स्कूल नहीं जाती। भान रेड को क्या बोलते हैं, भान रेड को क्या बोलते हैं, ब्लू रेड को, ब्लू ग्रीन को व्हाइट। भावना को थोड़ा कलर में थोड़ी जित्तू लेने आ गया हमको, गार्ड कह रहा है यहाँ कोई मछलियाँ, इसने पहले बताया था हमको कोई मछलियाँ नहीं, बट हमने विश्वास नहीं किया था इस पर, मारने की कोशिश नहीं की हमको, ले देसी मुर्गा लेके आया, देसी मुर्गा लेके आया अखा। चलो घर चल के देसी मुर्गा देखते हैं। हाँ आज तो पार्टी, अब आप काटोगे।